हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआरवी द एक्सप्लोरर। तो कैसे आप लोग, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा धमधा, जहाँ है प्राचीन त्रिमूर्ति महामाया मंदिर और साथ में ही गोड वंश के राजा का किला। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं रास्ते में। तो भाई, मैं पहुँच गया हूँ धमधा। हाँ, अभी शाम के वक्त काफ़ी भीड़ है। ये है धमधा का बस स्टैंड। यहाँ बस स्टैंड के पास ही एक सुंदर सा मंदिर है, गायत्री मंदिर। ये रास्ता है दुर्ग से बेमेतरा के लिए। दुर्ग से बेमेतरा के लिए हाईवे है। ये धमधा बीच में पड़ता है। यही धमधा के पास से शिवनाथ नदी गुजरती है। आगे लगभग 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर में शिवनाथ नदी है। यहाँ से हमको लेना है राइट मंदिर जाने। जाना जाता है। यहाँ मंदिर के भीतर दुर्गा जी के 32 नाम लिखे हुए हैं। मंदिर के भीतर जो खंभे मौजूद हैं, वो काफी पुराने पत्थरों से बने हुए हैं। मंदिर के चबूतरे में ही बहुत विशाल और पुराना एक बरगद का पेड़ है, जो काफी फैला हुआ है। त्रिमूर्ति महामाया मंदिर में श्री हरि विष्णु, पृथ्वी देवी, श्री बूढ़ा देव, श्री कंकाली माता, हनुमान जी और गणेश जी की भी अन्य मूर्तियां स्थापित है। माँ महामाया मंदिर के पीछे ही बूढ़ा देव का मंदिर भी है। यह मंदिर गोड राजा द्वारा हजारों साल पहले बनवाया गया था। यहाँ मंदिर में बूढ़ा देव की जो मूर्ति स्थापित है, वो बहुत ही पुरानी प्रतीत होती है। यह बूढ़ा देव गोड वंश के कुल देवता हैं।
चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको ले चलते हैं गौड़ राजाओं का किला। चलिए आपको अंदर से इस किले को दिखाता हूँ कि यह किला पहले कैसा था। गोंडवाना राज्यों में से एक गढ़ धमदागढ़ भी था। इस धमदागढ़ का साम्राज्य 484 गांव में फैला हुआ था। कहा जाता है कि धमदा के इस किले को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए गौड़ राजाओं ने किले के चारों तरफ 126 तालाब खुदवाए थे। यहाँ किले के अंदर एक कुंड जैसा बना हुआ है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले का यह स्नानागार रहा होगा। यहाँ किले के अंदर एक जगह गौड़ वंश के कुल देवता स्थापित हैं। गौड़ वंश के राजा विजय सिंह का यह राजमहल था। इस किले में अंतिम शासन राजा परव सिंह के द्वारा किया गया था। चलो भाई, उसके बाद चलते हैं कलश मंदिर। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है जो पूरा कलश कलश से बना है। यहाँ धमदा में भी काफ़ी मंदिर है। यहाँ पे भी तालाब के किनारे एक सुंदर सा मंदिर है। तो दोस्तों, यह रहा कलश से बना हुआ मंदिर। इस तरीके का मंदिर कहीं भी नहीं बना हुआ है। दोस्तों, फिलहाल तो यह मंदिर हवा तूफान के कारण टूट गया है। जब यह मंदिर बना था आज से लगभग 10 साल पहले, तो इस मंदिर की हाइट थी 50 फीट। दोस्तों, इस मंदिर को बनाने में लगभग 1,00,000 ज्योति कलश का उपयोग हुआ था। चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। वैसे यह मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, आप कभी भी धमदा आए तो त्रिमूर्ति महामाया और इस कलश से बने हुए मंदिर को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज के सफ़र को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह धमदागढ़ का वीडियो कैसे लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते वीडियो को लाइक करें।